बच्चों आज से हम पढ़ रहे हैं समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का बर्त। जैसे मैंने आपसे कहा था कि लाइट जो है, ये जो आपका चैप्टर नंबर 9 है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, या यूनिट नंबर 6, जिसको भी जो भी आप बोला था, यूनिट 6 चैप्टर नंबर 9, वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है और एक बहुत सरल चैप्टर है। तो होता क्या है, जब अपन इसको टुकड़ों में नहीं पढ़ते तो अपन बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स कर देते हैं, इस कारण वो चैप्टर बर्बाद हो जाता है। इसलिए अपन ने लाइट का जो चैप्टर नंबर 9 है आपकी एनसीईआरटी का नंबर 9, उसको अपन ने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसमें पहला पार्ट परावर्तन खत्म हो गया, बोला हुआ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। उसके बाद एक चैप्टर के 5 पार्ट का, तो चैप्टर खत्म नहीं हुआ एक प्रकार से, परावर्तन का पार्ट क्या हो गया है खत्म। अपवर्तन के अपन ने एक नहीं 2 पार्ट किए, समतल पृष्ठ का अपवर्तन अलग पढ़ेंगे, गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन अलग पढ़ेंगे, ताकि एकदम माइंड में क्लियरिटी रहे हर चीज़ की, ठीक है। और कुछ भी आपको रटना ना पड़े, जैसे आपको पिछले अध्याय में कुछ भी रटवाया था, बताया था अभिलंब क्यों, अभिलंब से वापस आ जाती, सब कुछ बताया, ऐसे यहाँ बताएंगे। तो समतल पृष्ठ और अपवर्तन अपन चालू कर रहे हैं, पर इसके पहले कि मैं सीधा आपको अपवर्तन की परिभाषा लिखवा दूँ, जितनी चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या रीज़न है चीज़ों के। तो आपको याद करना होगा कि कांच, कांच के पीछे अगर अपन पॉलिश कर दें, कांच के पीछे अगर अपन क्या कर दें, पॉलिश कर दें, काय से, फेनोलेट की योगों से, तो कांच की सतह चमकदार हो जाती है। वापस पर कोई प्रकाशकरण पड़ती है मानसी, तो वो टकरा के उसी माध्यम में वापस दौड़ जाती है, इस माध्यम से वह आई थी। फिर टकराने के लिए हमने कुछ नियम बनाए थे, फिर समतल दर्पण, समतल की जगह गोली चीज में टकराया, परवल लेकर हजार चीज़ें कर ली अपन ने। अब बच्चों अगर पॉलिश ना किया जाए, अगर पॉलिश तो जो प्रकाश किरण है वो कांच के आर पार हो जाती है, मतलब पार होकर निकल जाती है, पार होकर क्या हो जाती है, निकल जाती है। निश्चित ही रूप है पार होकर निकल गई है तो तीव्रता थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम, बिकॉज कांच को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। बाकी सब बातें अपन बाद में करेंगे, पर ये हो जाता है। तो ऐसा बात इसकी नहीं, ये नहीं है, ऐसा कई चीज़ों से हो जाता है, ऐसा कई चीज़ों से हो जाता है, जैसे कि वो जो चीज़ों से हो जाता है वो कहलाते माध्यम। वे सभी पदार्थ जिन्हें प्रकाश क्या हो सकता है, संचरित, संचरित मतलब आगे बढ़ सकता है उनमें भी, वो कहलाते हैं माध्यम। जैसे वायु भी एक माध्यम, प्रकाश वैसे बिना माध्यम के भी आगे बढ़ सकता है, बिकॉज प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन कई माध्यमों में भी संचरित हो जाता है, मतलब आगे बढ़ जाता है वो, मतलब जो पदार्थ में बढ़ जाता है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, माध्यम। तो एग्जाम्पल है जैसे कि पानी, क्या है, हाँ तेल, या एल्कोहल भी कह सकते हैं, जिसको जैसा समझ में आ रहा हो, एल्कोहल, शराब, और कांच, कांच नहीं तो आप इसको बर्फ ले लीजिए, पानी हो गया, और डायमंड, डायमंड भी प्रकाश प्रवेश कर जाता है। पान निकलेगा नहीं निकलेगा वो कल की बात है, लेकिन प्रवेश तो कर जाता है। चलिए तो ये सब क्या कहलाते हैं, माध्यम। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम पाई गई, प्रॉब्लम ये पाई गई कि माध्यम में संचरित तो हो जाता है, पर अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। हम प्रकाश का वेग निकाल चुके हैं, दोनों तरीके से निकाल चुके हैं, और अलग अलग माध्यम में क्यों होता है, बिकॉज सीज इक्वल टू 1/μ₀ε₀। तो माध्यम की चुंबकशीलता विद्युतशीलता बदलती है, तो वेग भी क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। और जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया था μ₀ε₀ वाला, उसके बहुत पहले लोगों समझ में आ गया था कि वेग क्या हो जाता है, बदल जाता है, वेग क्या हो जाता है, और उससे कई थ्योरी बनी वेग बदल के, वेग बदलने से ऐसा हुआ। ये चम्मच जो मैंने आपको शुरू में दिखाई, बोले ये टेढ़ी इसलिए कि वेग बदल जाता है, ये टेढ़ी देखिए कटी कटी है चम्मच, ये बताओ, क्योंकि वेग बदल जाता है। अब क्यों बदल जाता है, सब बात कर रहे हैं अपन अभी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बताएंगे, वायु और प्रकाश का वेग 3×10⁻¹। नॉर्मली थोड़ा कम भी हो जाता है, लेकिन इतना कम नहीं होता कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो वायु निर्वात में एक ही मानते हैं। अगला है जल, जल में होता है 2.25×10⁻¹। अगर ज़्यादा बकवास ना करें और 10⁻¹ ना लें तो भी काफ़ी कम हो गया है, 300,000 से सीधा 225,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड सीधा 225,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो काफ़ी है। जल में वे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर रोहित कांच, कांच में वेग हो जाता है 2×10⁻¹, सीधा 300,000 से 200,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर हीरा, हीरे में और कम होता है, कितना, 1.0, सीधा 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से 1,24,000 किलोमीटर, इतना कम हो गया। और वनस्पति तेल, जो आपको तेल अभी मैंने आपको दिखाया, वनस्पति तेल आप समझते हैं क्या होता है, वनस्पति तेल मतलब जो वनस्पति से मिलता है, जैसे जैतून का तेल आप लोग यूज़ करते हैं, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, और सूरजमुखी, वो सनफ्लावर खूब चलता है अपने यहाँ, सूरजमुखी का तेल, तो बहुत भांति भांति प्रकार, बादाम का तेल है ना, कई प्योर भी आते हैं, कई मिक्सअप भी आते हैं, बजाज आमंड ड्रॉप्स प्रो नहीं होता है ना, याद रखना, बादाम का तेल बहुत महंगा आता है।
चलिए तो ये वनस्पति तेल में कितना है 2.04 × 10⁸। ये कुछ मैंने आपको स्पेशल बताए हैं भाई, जो लोगों को याद रहते हैं, कई बार नहीं भी रहे तो चल जाएगा। तो अब भैया फिर जब कुछ होता है तो उसका रीजन पूछा जाता है, बोले ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे पहला रीजन दिया था सर आइजक न्यूटन ने कि वेग कम क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर दिया जा चुका था कि वेग कम होता है और फिर देखा भी गया। तो उन्होंने बताया एक बहुत ईजी और नॉर्मल टास्क, मान लीजिए आपके पास दो चीज़ें पानी है और शहद है, कौन ज़्यादा गाढ़ा होता है? अगर ऊपर मतलब मिक्सअप वाला शहद नहीं है, ठीक है, अपन किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, कुछ शहद पतले, लेकिन पानी से पतला तो कोई शहद नहीं होता है। तो अब आपसे पूछे या कोई से भी पूछे कि भैया अगर आपको चलना है तो आप पानी में जल्दी जल्दी तैर पाएंगे और शहद में धीरे धीरे तैर पाएंगे। तो उन्होंने बोला कि प्रकाश जो है वो कणों से मिलकर बना है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो कण जो हैं उनमें जब कण इनमें चलेंगे तो जल के जो कण हैं वो इन कणों के मार्ग में रुकावट डालेंगे और शहद के कण भी इन कणों के मार्ग में क्या डालेंगे, रुकावट। तो भैया चूंकि शहद के कण क्या हैं, पास पास, रुकावट क्या रहेगी, ज़्यादा। इसको आप ट्रैफिक से ले सकते हैं कि भाई आप प्रकाश के कण हैं और 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हैं पास पास, तो आपको निकलने में क्या होगी दिक्कत। भैया अगर वो दूर दूर खड़ी हैं तो आप आराम से बीच में से निकल जाएं। तो जल का जो घनत्व है, जिसको आप घनत्व बोलते, सभी को पता है घनत्व? नहीं पता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, याद आया कि नहीं आया? तो जल का जो घनत्व है, जूम करना पड़ेगा दीवार से, मैं दिखाऊंगा ये, ठीक है। जल का जो घनत्व है वो कम रहता है, मतलब उसमें जो कण है वो क्या रहते, पास पास रहते हैं, लेकिन इतने पास पानी जितने काय में रहते हैं शहद में। इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम होता है, समझिए, और 1 लीटर शहद कितना होता है, 1.1। घनत्व से क्या लेना, देखिए घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, समझिए। अपने पास एक तोलने की कला है, इस पर आपको रखा कितना ग्राम का, ये 79, चिंता नहीं करो, उसमें एक बटन होता है जिससे ये जीरो हो जाता है, तो दबा देंगे तो ये जीरो हो गया। अब बच्चों ये जो पात्र है 1 लीटर का पात्र है, कितने का पात्र है, तो अगर आप इसमें पानी भरोगे तो वजन कितना आएगा, 1000, ये खत्म की बात है, ठीक है। 1 लीटर के पात्र में कितना पानी है, 1000, तो अगर द्रव्यमान बटे आयतन से निकालें तो 1/1 कितना आ गया, 1। अब अगर इसी में आप क्या भरोगे, शहद, तो वो कितना आएगा, 1440। मतलब उतने ही आयतन में, उतने ही एरिया में पानी कितना है, 1 किलो, और उतने ही बर्तन में शहद कितनी है, 1440। इसका क्या रीजन है कि शहद के कण क्या रहे होंगे, पास पास, समझ में आया। इतने ही कमरे में इतने बच्चे बैठे हैं और इतने ही बच्चे लोग छोटे कमरे में बैठा लेते, कैसे बताओ दीवांशु, कैसे बैठा लेते हैं, पास पास बेंच लगा देते हैं, कैसे भी बन जाते बच्चे। तो उसमें क्या हो जाता है, घनत्व क्या हो जाता है, ज़्यादा, क्योंकि आयतन वही है, मास ज़्यादा हो गया। तो ये वैसे आपने उसमें ही पढ़ा होगा, पढ़ा है। तो पहली बार में ये साउंड बहुत सही लगता है कि यार देखो शहद में कण क्या है, पास पास, ट्रैफिक ज़्यादा है तो कणों को निकलने में क्या हो रही दिक्कत, जब तक ये माना गया प्रकाश कण है। फिर क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई, उनसे बोला प्रकाश धीरे कम गमन क्यों करता है, तो बोले इन कणों का द्रव्यमान बहुत कम होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, तो वो नीचे नहीं आते। अब उनकी लॉजिक है, बोले परावर्तन क्यों होता है, बोले जब अपन दीवार पे गेंद मारते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, वैसे जब कण दीवार पे लगते हैं तो क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया, जिस कारण ये कण वापस आते हैं, समझ रहे। तो बोले तुम्हारी गेंद तो नियम का फॉलो नहीं करती, प्रकाश के नियम का फॉलो क्यों कर रही। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, और एक सबसे गजब का डिबेट ये है कि अगर आपको एक ईंट दी जाए और उस ईंट में आप मारें तो उससे कुछ कण निकलेंगे, ईंट से कण निकलेंगे, तो ईंट का द्रव्यमान कम होगा, थोड़ा ही सही पर कम होगा रोए, और अगर आप कंटिन्यू मारते रहोगे रोए तो कण निकलते रहेंगे, तो कभी ना कभी उसका द्रव्यमान काफ़ी कम हो जाएगा जो आपको दिखने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्रकाश तो आज बल्ब 100 ग्राम का है, 10 दिन बाद थोड़ा 90 ग्राम का बचा, क्यों, कण निकलेगा। तब समझ में आएगा प्रकाश इनके जो सिद्धांत पूरी तरीके से क्या है, गलत है, लेकिन उन्होंने दे दिया था। अब ये कहाँ फंस गया, इसको समझो, ये देखो अच्छा ही लगता है तो लोगों को इतना ही ज्ञान है केवल, और लोग यही रीज़न दिया कि ये बिल्कुल निहायत ही गलत रीज़न है। ये लोग कहते क्यों, ऐसा क्यों है कि जल में वेग कम है, वायु वेग ज़्यादा, बोले वायु कण दूर दूर रहते हैं तो प्रकाश के कणों को जगा लेते हैं, स्पीड में निकल जाते हैं, और जल के कण पास पास रहते हैं तो कम जगा रहे तो जल्दी नहीं निकल पाते। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको एक गेम दिखा रहा हूँ, अगर आप इसमें तेल भर दें, क्या भर दें, तो 1 किलोग्राम तेल, ये जैतून का तेल है, 1 लीटर, 1 लीटर जैतून का तेल कितना होता है, 912। अगर आप भी तेल खरीदने गए हो तो आपके साथ ये जरूर हुआ होगा। देखिए मैं आपके लिए स्पेशली ये लाए हुए बहुत महंगा जैतून का ऑयल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जूम करो दिमाग, 1 लीटर बराबर 912 ग्राम, कितना, मतलब इसका घनत्व जल की तुलना में
कम है, इसका घनत्व जो है वो जल की तुलना में क्या है, कम। एक लीटर बराबर 912 ग्राम। सबके अलग अलग होते हैं रोहित, तेल तुमने कई प्रकार के होंगे, तुम घर में कौन सा यूज करते हो, जैसे कि नारियल तेल, एक लीटर नारियल तेल होता है 900 ग्राम, एक लीटर नारियल तेल क्या होता है 900 ग्राम, ठीक है। और वैन पैक्ड लिखा होता है, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि भाई लीटर कैसे रहेगा, अगर आयतन कम होगा जम जाएगा तो आयतन कम हो जाएगा, कड़के आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। फिर एक लीटर सनफ्लावर जो आप यूज करते हैं वो होता है 920 ग्राम। तो ये कुल मिला के आप ये समझिए कि तेल का घनत्व ज्यादा है कि पानी का, जो ज्यादा वजनदार है उसका घनत्व क्या ज्यादा, शहद का कितना था वजन 44, तो उसका घनत्व क्या था ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा तो घनत्व ज्यादा। पका रहा हूं क्या ज्यादा, तो मैं बंद करूं इस चीज को। तो अब यहां पर रोहित सबको पता है कि तेल पानी के ऊपर तैरता है, तेल पानी से हल्का है, मतलब तेल का घनत्व कम है। अब अगर न्यूटन चचा की माने तो घनत्व ही है या कण ही पास पास उसको क्या कर रहा है, रोक रहे हैं। तो तेल के कण कम रोकेंगे और पानी के कण ज्यादा रोकेंगे, लेकिन पानी में वेग ज्यादा है और तेल में वेग कम है, तेल में वेग कम है। यहां से बंदे फंस जाते, कहते अब हम क्या करें, बोले अब हम कछु नहीं, क्या कह दें। तो ये बिल्कुल इसका घनत्व से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आप दिमाग में डालें। और सालों तक किसी को पता नहीं था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि वेग कम हो रहा है, लॉजिक बिल्कुल जम रहा था। जल का घनत्व कम होता है, कांचा घनत्व ज्यादा होता है, तो कांच ज्यादा रुकावट तो वेग कम, लेकिन एक तेल ने सब कुछ रुका। वो तेल तो कितने सारे हैं, तेल तो कितने सारे। तो आशा करता हूँ ये सब फैक्ट्स बिल्कुल एकदम करेक्ट है, बहुत ज्यादा रिसर्च से लाए गए। तो ये तो भैया बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपको एक वनस्पति तेल नहीं बताऊं तो आप मुझे कभी नहीं पकड़। अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि तेल का जो द्रव्यमान है वो, मतलब तेल का घनत्व क्या होता है जल की तुलना में कम, तो भी आप मुझे कहा, आपको तदमा थोड़ी है कि आपको ही पता है कि जो तेल आता है एक लीटर वो कभी एक किलो नहीं होता। अपन बोल देते एक किलो तेल दे दो, पर वो एक लीटर देते हैं, एक लीटर तेल कभी एक किलो तेल नहीं होता, कम ही होता है। जल एक लीटर एक किलो होता है, आप तोल सकते हैं, एक लीटर की बोतल है आपके पास, एक लीटर की बोतल लीजिए आप तोलिए, एक किलो ही आएगा, लेकिन तेल तोलिए वो एक किलो नहीं आएगा। तो यहां पे चर्चा फेल हो गए कि अगर तेल का घनत्व कम है जल से तो तेल में वेग ज्यादा होना चाहिए जल से, लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो बोले क्या करें। फिर आती है अगली थ्योरी, ये वाली कि प्रकाश क्या है रोहित, एक तरंग है, हाइगन की थ्योरी है ना, प्रकाश क्या है एक तरंग है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये किरण इससे गुजर रही है, देखो मैंने थोड़ा अजीब सा प्रश्न बनाया, निकल गया परावर्तन। तो ये जो थ्योरी है ये आइंस्टीन की प्रपोज की गई फोटोन थ्योरी है, उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कण है माध्यम की, कण जो है माध्यम की, ये इनमें रुकावट नहीं डाल रहे हैं, रुकावट नहीं। प्रकाश तरंग क्या होती है, जब अंदर प्रवेश करती है माध्यम की तो वो कण के अंदर प्रवेश कर जाती है, कहाँ प्रवेश कर जाती है, फिर कण के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं है ना, वो ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फिर अवशोषित करके उनके जो, मतलब जो उनके कण हैं इलेक्ट्रॉन फोटोन, वो हायर लेवल में चले जाते हैं, उच्च ऊर्जा अवस्था, कहाँ में चले जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में वो बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं, 10^-6 सेकंड। कितने में रहेंगे रोहित, वो डिपेंड करता है कि उनकी उच्च ऊर्जा अवस्था क्या है। अगर आप थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता होगा उच्च ऊर्जा अवस्था क्या होती है, निम्न ऊर्जा अवस्था और उच्च ऊर्जा अवस्था। तो ऊपर जाते हैं कैसे, इसकी ऊर्जा ग्रहण करके, जो इस तरंग ऊर्जा है वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर। और फिर जब वापस आते हैं तो वही ऊर्जा क्या कर देते हैं, उत्सर्जित। तो ये हो जाता है, समझ में आया। तो जब वो जाते हैं तो एक कण के अंदर गए, फिर उत्सर्जित किया, फिर अंदर गए, फिर उत्सर्जित। तो ये कितना टाइम लगेगा डिपेंड करता है कि उसकी उच्च ऊर्जा अवस्था को कितनी देर रहेगा। जो कण उच्च ऊर्जा अवस्था में जाएगा या जो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा अवस्था में जाएगा वो कितनी देर उच्च ऊर्जा अवस्था में रहेगा, वो डिपेंड करता है उसकी जो ऊर्जा अवस्था क्या है, सबकी कक्षा अवस्था अलग अलग होती है। तो यहां पर ये जो है ये कंसेप्ट एकदम सही है कि यहां गए, अंदर गए और अंदर से कहां निकले, बाहर, समझ में आया बेटा। तो ये इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है कि डिपेंड करता है कि जिस पदार्थ के अंदर जा रहा है, जो कण इसको अवशोषित कर रहा है, वो कण कितनी देर में ऊपर जाता है और कितनी देर में नीचे। आप समझे नहीं मेरी बात को, देखिए होता क्या है, इसमें गई, इसने क्या किया, अवशोषित, अवशोषित किया, इसके इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, उच्च ऊर्जा, केवल कुछ माइक्रोसेकंड को रहते वो वापस कहां आ जाते, नीचे। तो कैसे गए थे ऊपर, ऊर्जा का अवशोषण करके, नीचे कैसे आएंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करके, समझ। तो जब भी ये प्रकाश किसी माध्यम के अंदर प्रवेश करता है तो
क्या होता है, करने मुझे बाहर, फिर अवशोषित, फिर उत्सर्जन, फिर अवशोषित, फिर उत्सर्जन। अब रोहित बता सकते हो कि कोई चीज अवशोषित क्यों कर लेती है प्रकाश को? अवशोषित किया फिर उत्सर्जित नहीं किया, वही ऊर्जा का क्या कर लिया, वितरण कर लिया, तो फिर चीजें क्या कर लेती हैं, अवशोषित। आज आपको ये भी पता है कि चीजें प्रकाश का अवशोषण क्यों कर लेती हैं, प्रकाश का अवशोषण क्यों। तुम्हारा ब्लैक के कण ऐसे होंगे कि अवशोषण कर ले, कृष्ण का बोलते याद आया, तो उनको उत्सर्जित नहीं करती, उसके ऐसे वो तो उत्सर्जित हो जाती, समझ में आया। तो ये है अपवर्तन का मेन कंसेप्ट, कोई नहीं बताएगा, मेरी गारंटी है, बिल्कुल बिल्कुल गारंटी। आप यूट्यूब पर सब जगह देख लीजिएगा, सबको समझ में आया कि नहीं आया, किसी को भी नहीं आया। ये थ्योरी आइंस्टीन की थ्योरी है कि जब प्रकाश ऊर्जा अंदर प्रवेश करी तो पहले पदार्थ कण उसको अवशोषित करते, फिर क्या करते हैं, उत्सर्जित। तो अवशोषित करके उत्सर्जित करने में टाइम लग जाता, उस कारण प्रकाश की स्पीड क्या हो जाती, कम। तो बेटा इस ट्रेन की स्पीड कम नहीं है, ट्रेन की स्पीड कम प्रॉब्लम है स्टेशन की। स्टेशन पे आदमी इसको क्या कर लेते हैं, रोक लेते, फिर चेन खींच ले फिर जाए, फिर चेन खींच ले फिर जाए, तो इस कारण इसकी स्पीड। तो बेचारी ट्रेन तो उतनी स्पीड में चल रही है मानसी, पर ये स्टेशन रुक रहे हैं। तो देखो अब जी कितनी देर रुकेगी, ये गया अंदर, अब बाहर कब निकली वो उसको जानता, उसकी अवस्था कैसी है। तो ये लॉजिक है जिससे अपन सब कुछ रोहित एक्सप्लेन कर सकते हैं। और रियल में लॉजिक ऐसा है कि तेल जो होता है, तेल के कण ऊर्जा अवस्था में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले देते हैं, क्या ले देते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम। अगर आपको बेवकूफ़ बनना तो आप ये समझ लो तेल के कण चिपका लेते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बेवकूफ़ नहीं बनना, वो बता रहे हैं। लोगों को कोई भी थ्योरी है, लेकिन मेरी थ्योरी जो होती है नॉर्मली, अगर मेरी मन की तो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये तो आइंस्टीन की थ्योरी, सबको समझ में आई बेटा नहीं, क्वांटम अगर पढ़ोगे फिजिक्स का भी मजा आएगा, वरना तो बर्बाद जिंदगी है। समझ में आया, तो इसको अपन ने द्रव्यमान घनत्व बोल दिया था, ये जो अपना वो वाला, कौन सा वाला, द्रव्यमान बटे आयतन वाला, उसको अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान घनत्व। तो अब चूंकि इससे बहुत एक्सप्लेन हो चुका था, तो बोले क्या करें क्या करें, बोले इसका नाम रख दो प्रकाशीय घनत्व। क्या रख दो, मतलब अगर अगर कोई चीज प्रकाश का वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब उसका घनत्व ज्यादा है, कौन सा वाला, प्रकाश। याद रखो प्रकाशीय घनत्व का द्रव्यमान घनत्व से कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी नॉर्मली हम देखते हैं कि जिसका द्रव्यमान घनत्व ज्यादा होता है उसका प्रकाशीय घनत्व भी ज्यादा होता है। कण पास पासों में ऊर्जा का अवशोषण करेंगे, निकालेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा हो जरूरी, आपको याद रखना चाहिए, आवश्यक नहीं है कि जिस माध्यम का द्रव्यमान घनत्व अधिक हो उसका प्रकाशीय घनत्व भी अधिक हो। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, आपने देखा जल का घनत्व कम है, कांच का ज्यादा है, और जल का प्रकाशीय घनत्व भी कम हो, कांच का प्रकाशीय घनत्व क्या है, ज्यादा। लेकिन तेल की इसमें चीज क्या हो जाती है, उल्टी। तो यहां लिखिए उसका प्रकाशीय घनत्व भी अधिक हो, याद रखिए जिस माध्यम का द्रव्यमान घनत्व, द्रव्यमान घनत्व कैसे निकालते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल नहीं बताना था, वो तो हम बता रहे हैं बस तेल में ला के, उसका प्रकाशीय घनत्व भी अधिक हो ये जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए तारपीन के तेल का द्रव्यमान पानी से कम होता है, तारपीन का तेल वो ताड़ के पेड़ से बनता है जो, परंतु प्रकाशीय घनत्व पानी से क्या होता रोहित, अधिक। तो चूंकि घनत्व से बहुत कुछ एक्सप्लेन हो चुका था, घनत्व से तो उन्होंने कहा घनत्व घनत्व पकड़ लो, बट इसका नाम रख दे रहे प्रकाशीय, प्रकाशीय घनत्व मतलब कितनी जल्दी अवशोषित करके उत्सर्जित, जो जितनी देर लगाएगा अवशोषित करके उत्सर्जित करने, मतलब उसका घनत्व ज्यादा है, और जो जितनी जल्दी अवशोषित करके क्या कर देगा उत्सर्जित, उसका घनत्व कम है, है ना। पॉसिबल है काफी लोग बुद्धिजीवी बोल रहे हैं इनकी थ्योरी गलत है, मेरी थ्योरी सही है, तो आप उनको तेल का एग्जांपल दे सकते हैं, क्या एग्जांपल दे सकते हैं, ये थ्योरी आइंस्टीन की, आइंस्टीन की थ्योरी फोटोन थ्योरी है, इन दोनों को मिक्स करना सही नहीं है एक प्रकार से, लेकिन मेरे हिसाब से एक सही रीजन यही है, बाकी पेपर में तो आना नहीं है तो मुझे क्या होगा परेशान। फिर मैंने आपको परावर्तन का भी रीजन बताया, जिससे मैंने आपको काय का बता दिया, यहाँ पे वेग अपवर्तन नहीं, ये वेग कम होना, ये वेग कम होना, ये अपवर्तन नहीं है, ये वेग कम होना। अब समझते हैं प्रकाशीय घनत्व के आधार पर माध्यम दो प्रकार के, एक विरल माध्यम एक सघन। तो कौन है सघन माध्यम, घना जल है कि नहीं, हाँ बोले मोटे हम हैं कि नहीं, बताओ मोटे हैं कि नहीं, वो डिपेंड करता है किसकी तुलना में, तुम कि किसी को खड़े कर दो अतरे पतरे आदमी को तो फिर हम मोटे हैं, फिर किसी और को खड़ा कर दो तो हम, यदि विष्णु से तुलना की जाए तो हम मोटे हैं, विक्रम से तुलना की जाए तो हम पतले हैं। तो कौन विरल है कौन सघन है, ये बिल्कुल भी, ये बोलना कि पानी एक सघन माध्यम है या पानी एक विरल माध्यम बिल्कुल गलत है। आप ये लिखे कभी उदाहरण पानी एक सघन माध्यम, तो इतनी छुटाई मार है आपको, ध्यान दीजिए वे माध्यम जिनमें प्रकाश का वेग तुलनात्मक रूप से अधिक हो विरल माध्यम कहलाते हैं, अथवा जिनका प्रकाशीय घनत्व तो तुलनात्मक रूप से क्या होता है कम होता है विरल माध्यम। इस शब्द पर ध्यान दीजिए तुलनात्मक, उदाहरण वायु जल की तुलना में विरल माध्यम, वायु वेग ज्यादा है ना। आज भी जब घनत्व बोलूंगा तो लोग वायु कण दूर दूर है,
और जल के कण पास हुआ। आप मान सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो गलत है, मैंने आपको बता दिया विद एग्जाम्पल रोहित, ठीक है। जल कांच की तुलना में विरल माध्यम, तो जल सगाने के विरल है, कांच हीरे की तुलना में विरल माध्यम, और तेल, तेल जल से सघन है, विरल है, तेल जल से सघन है, प्रकाश माध्यम, घनत्व तो उसका कम है लेकिन प्रकाश में कहें तो क्या है, सघन है। एग्जाम्पल देना था, हम कभी तो बीच में उसको लेके नहीं आएंगे, पर जो मैंने बताया है उससे आप किसी होशियार बंदे की बोलती बंद कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट, सघन माध्यम, वे माध्यम जिन्हें प्रकाश का वेग तुलनात्मक रूप से कम होता है, जैसे जल में वायु से कम होता है, तो जल सघन है किसकी तुलना में, वायु, सघन माध्यम कहलाते हैं। या वे माध्यम जिनका प्रकाश ये घनत्व तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, सघन माध्यम कहलाते। वैसे तो प्रकाशीय घनत्व का जो आपका द्रव्यमान वाला घनत्व से कोई लेना देना नहीं है, पर नॉर्मली जिनका द्रव्यमान घनत्व ज्यादा होता है उनका प्रकाशीय घनत्व क्या होता है, ज्यादा। तो जब भी मैं बोलूंगा शायद मैं भी यही बोलूंगा कण पास पास है, कण दूर दूर है, पर वैसा कोई रीजन नहीं है। उदाहरण, जल वायु की तुलना में, अगला मैं तीन ही पे स्टक करूंगा आपको, तीन, कांच जल की तुलना में और हीरा कांच की तुलना में सघन है, सबको समझ आया। अब बच्चों, किरण टकराई, इसको ऐसा जाना था पर ये ऐसी नहीं जाता, ये थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, ये अभिलंब तो आप समझते हैं, जो आपतन बिंदु पर जो लंबवत रेखा की जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती, थोड़ा सा मुड़ जाती है। इसी घटना को हम अपवर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्तन। लोग यहीं शुरू करते हैं, लोगों को कुछ पता बता रहे, समझाना नहीं है तो क्यों शुरू करेंगे, समझानी पड़े चीज तो समझ में आए, समझाना पड़े कि भाई क्यों आपतन और अपवर्तन कोण की जगह अनुपात अपवर्तन आएगा, तब कुछ पढ़ाना पड़े, जब समझाएं लिखवाना के लिए सीधा, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित इसलिए बोल रहे हैं कि यहां झुक रही है, लेकिन अगर उल्टा होगा, कहां से पानी से कहां जाएगी, वायु में, तो वो दूर हट जाएगी, क्या हट जाएगी, दूर हट जाएगी। आपने फिल्में देखी पुरानी कि नहीं पुरानी, उसमें एक तरफ से हीरो आता है एक तरफ से हीरोइन आती है, फिर वो लोग दोनों मिलते हैं और पानी प्रवेश कर जाए सघन माध्यम में तो पास आ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दूर बाहर आते हैं, बाहर तुरंत दूर जाते, कोई देख लेगा जूते खिल जाएंगे, हाँ। तो देखो ये जब जल में जाती है तो अभिलंब के पास हो जाती है, अभिलंब अपना हीरो है अमिताभ बच्चन, अभिलंब के पास हो जाती, लेकिन अब बाहर आएगी तो दूर हो जाएगी, तो जल में जाएगी तो पास हो जाएगी, बाहर आएगी तो, और कांच में जाएगी तो और पास हो जाएगी, और हीरा मिल जाएगा तो फिर तो और ही पास हो जाएगी, समझ पा रहे हैं। किरण नाम है, किरण तो जब नाम ही है, तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि विचलन, क्योंकि कभी पास आती कभी दूर जाती, अगर सघन माध्यम में जाएगी तो पास आएगी, और सघन से विरल जाएगी तो दूर जाएगी, वायु से जल में गई तो सघन में गई तो पास आई, और जल से वायु में गई तो विरल में गई तो दूर। इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा है पास दूर जाना, पर इसलिए ये लिख रहा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी मार्ग से विचलित, मतलब जैसा जाना था वैसा नहीं जाएगी, या तो झुक जाएगी या दूर हो जाएगी। सोचो अगर ये वायु की जगह यहाँ कांच होता तो फिर ये दूर हटती है, तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, एल ई है ना, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये तो कोई भी पढ़ा देगा, ठीक है, पर हाँ अच्छा, ये चीजें जो आपको हमेशा उस बार ही बताई थी, प्रकाश की अपवर्तन के प्रकाश की आवृत्ति नियत रहती है परंतु चाल तरंग दैर्ध्य तीव्रता परिवर्तित हो जाती है। तो इसका रीजन वैसे देवांशु है मेरे पास, पेन है वैसे, इसका रीजन वैसे मैंने पिछली बार ही बताया था मानसी कि देखो बेटा तीव्रता तो परिवर्तन, तीव्रता तो कम ही होती है, कि कुछ ना कुछ भाग तो ऊर्जा का कारण क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे, परावर्तन में अवशोषण होता है 5% रोज, कितना भी चमकदार सतह हो, तो ये तो परिवर्तित होनी होनी है तीव्रता। अब बचते कि ये क्यों, देखिए c इज इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, c इज इक्वल टू क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि c का मान कम होगा, c का मान क्या होगा, कम। अब c का मान कम होने के लिए न्यू और लैम्डा में से कोई तो कम हुआ होगा, तभी तो वेग कम हो गया, तो न्यू कम, अगर न्यू कम बड़ होता है तो देखो बेटा आवृत्ति डिपेंड करती है कलर, अगर आपको याद हो आवृत्ति किस पर डिपेंड करती है, कलर, आपको याद हो मैंने आपको अलग अलग कलर की अलग अलग आवृत्ति होती है, ठीक है। तो फिर ऐसे अपन क्या कम कर देते रोहित, तरंग दैर्ध्य क्या कम कर देते हैं, क्योंकि मैंने वेग कम किया है तो इनमें से एक चीज तो कम करनी पड़ेगी, तो फिर हम बोलते क्या कम हुआ है, तरंग दैर्ध्य कम हुआ है, क्या कम हुआ है, समझ में आया बच्चों। तो ये दोनों कम हो जाते तो आवृत्ति जो अनुपात है वो क्या रह जाता है, स्थिर रह जाता है, क्या रह जाता है, अगर ये भी कम हुआ और ये भी कम हुआ तो ये स्थिर रह जाता है,
लोग कहेंगे अरे सर अगर तरंग दैर्ध्य कम होगी तो आवृत्ति बढ़ेगी, उल्टी होती, उल्टी होती है बड्डे, लेकिन तब वेग नियत रहता है, तब कौन नियत रहता है, लेकिन अगर वेग कम हो रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को कम होना पड़ेगा, वो कम क्या होती है, तरंग दैर्ध्य। इसका क्या लॉजिक, इसका लॉजिक ये है कि तरंग दैर्ध्य अगर कम हो रही है तो सही है, आवृत्ति कम बढ़ोगी तो आवृत्ति का संबंध होता है कलर से, प्रकाश के रंग से, और ऐसा नहीं होता कि लाल रंग अंदर जाए और भटा निकल जाए, समझ रहे। चलिए छोड़िए सब बातों को, सबको समझ में आया है पॉइंट। तो परावर्तन क्रिया में बेटा देखो परावर्तन भूलना नहीं है वरना बैंड बच जाएगी, सब में सब इसी तरह अलग पड़ा है। परावर्तन क्रिया में चार में से क्या चीज चेंज होती है, चाल वाले सब में से केवल तीव्रता, और इसमें तीव्रता के साथ वेग तो चेंज हुआ, अभी देख लिया अपन, वेग चेंज हुआ तो वैसे आवृत्ति भी, लेकिन आवृत्ति नहीं होती, देखो देख रहा है कलर जो कहते हूँ, ठीक है। चलिए सबको समझ में आया बेटा। अब बच्चों हाँ फर्मेट तो ठीक है, प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों होता है कि प्रकाशकरण क्यों अपने मार्ग से क्या हो जाती है विचलित। और मैंने आपको बताया था, अब बेटा चलो क्लास है नॉर्मल चले चलने दो, पर अब मैं जो आपको बता रहा हूँ आप गेस कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है, आप किसी से भी पूछ के जरूर आना प्लीज़, कि मैंने आपको तीसरा चीज़ आप कभी किसी से पूछते नहीं किसी को पता नहीं चलता। तो प्रश्न ये है कि किरण क्यों विचलित हो गई, ये किरण क्यों विचलित हो गई, तो इसको भी अपन काय से एक्सप्लेन करेंगे, फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। इससे हमने बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की थी, प्रकाश सीधी रेखा में क्यों जाता है और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण क्यों होता है और वो तल को छोड़कर क्यों नहीं जाती, बताया था मैंने आपको तीनों, ये थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। ये किसने दिया था, पियरे डी फर्मेट ने, उनने बोला था कि द पाथ टेकन बिटवीन टू पॉइंट्स बाय अ रे ऑफ लाइट इज पाथ दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन लीस्ट टाइम। हिंदी में बताएं तो प्रकाश किरण हमेशा ऐसा मार्ग चुनती है कि उसको समय कम से कम लगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं और प्रकाश किरण को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो वो कैसे जाना पसंद करेगी, ब्लू पाथ से, ग्रीन पाथ से या रेड पाथ से, क्यों, यही कारण है प्रकाश किरण कायम जाती है सरल रेखा में, अगर माध्यम चेंज ना हो तो प्रकाश किरण सदैव सरल रेखा में चलती है, ये बताया था मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको आप परावर्तन के भी बता दिए थे, भाई अपन सीधी रेखा गए थे उस बल्ब को फूलना था भूल गए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट ऑलवेज द क्विकेस्ट पाथ। इस चित्र को देख के लोग गलत फहमी में आ जाते हैं कि हमेशा सीधे जाओगे, तो इनने ये नहीं बोला था कि वो सीधा पाथ लगे, नहीं, ऐसा रास्ता चुनती है कि समय कम से कम लगे। हाँ तो ऐसी ही चुनेगी ना, इसमें समय ज्यादा लगेगा, इसमें समय कहाँ लगेगा, इसमें समय ज्यादा लगेगा, ठीक है, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है कि सीधा रास्ता हमेशा सबसे तेज होता है। शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट ऑलवेज द क्विकेस्ट पाथ। नहीं अरे सर ऐसा कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक मंदिर है, क्या है, मंदिर। इस मंदिर को आपको जाना है, कार सही है आपकी, यस सर, और महंगी लाएं, दो रास्ता है, एक ये और एक ये, आपको जल्दी से मंदिर पर, मम्मी ने कहा जल्दी जाओ नाश के मेटे तुम कभी कुछ काम नहीं कर, तो आप कौन से रास्ते से जाएंगे, ए बी, क्यों, ए सीधा रास्ता है फटाक से पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको एक बात नहीं पता कि आप या कह नहीं जा रहे हो। अब आप बताइए कौन से रास्ते से जाएंगे, क्यों, तो शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट ऑलवेज द क्विकेस्ट पाथ। अब आप यहां से जाएंगे अगर आपको ये रास्ता पता है, नॉर्मली ऐसा होता है कई बार लोग कहते हैं हम शॉर्टकट ट्रैफिक होता है, तो शॉर्टकट वो शॉर्टकट नहीं होता है, वो लॉन्ग कट होता है, बस वो पुलिया में क्या है कोई ट्रैफिक है नहीं, तो आपको लगता है कि आप जल्दी, आप कभी भी पता कर लेते, इतने भी शॉर्टकट हैं, अगर नाम नाप हो गया असल में वो लंबे निकलेंगे, मतलब वो शॉर्टकट क्यों कहलाते हैं फिर, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक नहीं, तो हम फट से फटफट निकल जाते हैं, समझ में आया बेटा। तो शॉर्टेस्ट पाथ इज नॉट ऑलवेज द क्विकेस्ट पाथ, प्रकाश क्विकेस्ट पाथ। अब आता आपका क्विज, तैयार, इतनी एंड मैंने आपको दे दी, ये आपको जो एक मिनट दिखा बहुत टाइम लगता है गुरु, समझिए ये समुद्र है, क्या है, और आपका नाम लाल सिंह चड्ढा है और आपके दोस्त का नाम हरीलाल है, क्या है, और यहाँ पर एक सुंदर सी कन्या जिनका नाम भटा है, भटा रख लेते, भटा कोई और नाम बताइए, बैगनी जो भी रखना हो, चलिए चलिए कोई बात नहीं, नाम कन्या तो कन्या, नाम से क्या होता है, तो आप दोनों लगभग पास पास ही करें, दोस्त साथ साथ चलते हैं, समझो ये देखो दोस्ती जो है वो आंखों की तरह होती है, आंखें हमेशा साथ में बंद होती हैं, साथ में खुलती, साथ में जागती हैं, हाँ लेकिन जब कभी तो भले कभी धोखा हो जाता है,
हाँ, लड़की को देख के आमतौर पर लोग छोड़ देते हैं। तो अब ये लड़की जो है गलती से बहुत गहरा चली गई और डूबने लगी है। अब ध्यान सुनिए, बहुत गहरा चली गई और डूबने लगी है, ठीक है। तो अब इसको बचाना है और दोनों को ही तैरना आता है, दोनों को ही तैरना आता है। तो अब इसके पास जो पहले पहुंचेगा बचा लेगा। अब भैया दोनों दौड़ लगा दी। तो लाल सिंह को पता था कि सीधे जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, तो वो सीधे गए और हरी सिंह ऐसे गए। अब बताइए पहले कौन पहुंचेगा? अरे यार रास्ता देखो भैया, ये सीधा, ये लाल सिंह पहुंचेगा जल्दी। हाँ, अगर आप देखें कि लाल सिंह जो हैं उनको पानी में ज्यादा समय व्यतीत करना पड़ेगा और तैरना उतना, या कि हरी सिंह को कम समय, तो माना कि लाल सिंह यहाँ जल्दी पहुंच जाएंगे लेकिन पानी में उनको काफी टाइम लग जाएगा। तैर हम उतनी स्पीड में नहीं सकते हैं जितनी स्पीड में हम दौड़ सकते हैं। तो कौन पहले पहुंचेगा? कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, रोहित प्रकाश किरण ये आ रही और ये इसको ऐसा जाना था। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मर गई, बताओ क्यों मर गई बताओ। क्योंकि प्रकाश चाहता है क्विकेस्ट पाथ, तो वो इसलिए मुड़ गई है ताकि उसको पानी में कम समय व्यतीत करना पड़े और फर्मेट प्रिंसिपल जिंदा रहे। ताली बजाओ भाई फर्मेट के लिए। सबको समझ में आया? तो प्रकाश किरण क्यों मुड़ गई? क्योंकि वो पानी में कम से कम समय व्यतीत करना, ताकि उसका क्विकेस्ट बात का रूल बना रहे। जैसे आप नीचे क्यों मुड़ गए थे? क्योंकि आप जल्दी मंदिर पहुंचना चाहते हैं। सबको समझ में आया रोहित? और फिर वायु में फिर वो ज्यों की त्यों हो जाती, देखो रोहित जैसी थी उसी के समांतर हो जाती है। तो सभी को समझ में आया बेटा कि प्रकाश किरण क्यों मर जाती है? ये बात बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि अगर प्रकाश किरण रोहित लंबवत आए, कैसी आए, तो फिर वो मूर्ति नहीं है। क्योंकि अगर इस कंडीशन में रोहित मुड़ गई तो उसको पानी के अंदर ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा, है ना। और ये बिल्कुल सही बात है, अगर आप बाल्टी में एक सिक्का डाल दें और तिरछे से देखें तो आपको वो सिक्का उठा हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर आप जस्ट लंबवत ऊपर से देखें तो फिर आपको सिक्का उतनी ही गहराई पर दिखाई देगा जितनी असल गहराई पर है। इसलिए जब अगर बाल्टी में कभी सिक्का गिर जाए तो आपको हमेशा कैसा देखना चाहिए? ऊपर से लंबवत। समझ में आया? तो ये बिल्कुल रोहित एकदम सही बात है, समझ जब वो लंबवत आती है तो वो नहीं मुड़ती, वो नहीं। तो इसको आप खुद कर सकते हैं, सिक्के को आप यहाँ से देखोगे तो कोठे देखेगा क्योंकि क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, लेकिन आप लंबवत देखोगे तो आपको ज्यों कहते हो जितना नीचे उतना ही नीचे दिखाई देगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रकाश क्यों मुड़ गई है? क्योंकि पानी में कम से कम, प्रकाश हमेशा ऐसा मार्ग चुनता है कि हमेशा कम से कम समय है। सभी को समझ में आया? और एक बात रोहित, अगर इसको आप और यहाँ टेढ़ा कर दोगे तो ये और टेढ़ी हो जाएगी, समझ लो। तो इस सबको अपन आगे बात करेंगे, सब कोई दिक्कत की बात नहीं। सबको समझ में आया भाई कि नहीं आया? आ गया। तो बच्चों अब अपन ने समझ लिया कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्यों होता है, ये भी समझ लिया अपन ने। फिर आपको लॉजिकली और भी कुछ बताएंगे, पर अभी हाल हमें एक जरूरी चीज समझनी है जिसके बिना अपवर्तन के नियम, लोग अपवर्तन परिभाषा लिखवाई उसी दिन नियम, ऐसा थोड़ी होता है। हमें तो बताने पड़ेंगे नियम कहाँ से आए, तुम तो रटोगे नहीं, ठीक है। इधर जब आपतन कौन पढ़ा, परावर्तन कौन नहीं पढ़ा, तो ये कैसे पढ़ोगे? तो इसके लिए मैं आपको नई अवधारणा से परिचित कराऊंगा जिसका नाम है अपवर्तनांक। बेटा कल की क्लास बहुत पिटाई वाली होने वाली है, क्योंकि अपवर्तनांक मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, कैसे निकलता है, कितना होता है। फिर कल मैं आपसे पूछूंगा, सबके तो नहीं पूछूंगा पर पूछूंगा जरूर, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब हम एक जरूरी चीज रखा कर रहे हैं वो है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक से ही सब कुछ है, पूरा अपवर्तन अपवर्तनांक से। अगर आप इसके भाग करें तो अपवर्तन अंक, अपवर्तन अंक, हम सभी जानते हैं वेग जितना कम होगा प्रकाश किरण उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि स्पीड तो उसमें है नहीं रोहित, तो ये बात क्यों? तो कुल मिलाकर कंसेप्ट ये है कि जितना टाइम उसको इतनी जल में लगेगा उतनी टाइम में लगेगा वायु में, क्योंकि जल में स्पीड क्या हो गई कम, इसलिए वो जल में रास्ता क्या लेती है छोटा, वो वायु में फिर से क्या लेती है लंबा रास्ता। तो अगर जितनी जल है उतना क्या है वायु, तो जितना टाइम जल में लगा उतना टाइम क्या में लगना चाहिए वायु में, ये नियम है, जितना टाइम जल में लगा उतना टाइम वायु में, इसी जल में वो क्या लेती थी छोटा रास्ता, जल में क्या होगा कांच में क्या ले लेगी और छोटा रास्ता। तो अपवर्तन कितना होगा वो डिपेंड करता है कि वेग कितना कम हो गया, जितना वेग कम हो गया उतना ज्यादा अपवर्तन होगा, इसलिए हमें नया टर्म लिखना है अपवर्तन का अंक।
जो निर्धारित करेगा कि अपवर्तन कितना होगा, क्या निर्धारित करेगा अपवर्तन कितना होगा। तो अपवर्तन हम कैसे निकालते, बहुत सरल, सबसे सिंपल सबसे सरल लोग याद करते हैं कांच में भी। तो देखिए बेटा वायु में भी बटे कांच में भी, वायु में वेग होता है 3 × 10⁻⁸। असाइनमेंट आपको मिलेगा, आप बोलने में चक्कर जो की होगा। और कांच में वेग होता है 2 × 10⁻¹। ये हो गए कैंसर, कितना आ गया बेटा 3/2, कितना आ गया 3/2। इसे बोलते हैं कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक कितना है 3, मतलब अगर प्रकाश तरंग का वायु वेग 3 है तो वेग जो है वो 3 का भाग इकाई में आ गया कांच। नहीं आया समझ में, वेग क्या है, एक अंक है, फिक्स अंक, वेग बटे वेग कैंसिल, कोई मात्रा नहीं, एक फिक्स अंक है जो डिसाइड करेगा कि कितना अपवर्तन होगा, वेग जितना कम अपवर्तन उतना ज्यादा। कितना आ गया बेटा 1.5, 1.5 क्या होता है कांच का अपवर्तनांक, समझ में आया। अब आगे बढ़ बॉयलर पे, पानी, तो पानी में जो वेग होता वो था 1.33, क्या सॉरी 2.25, मतलब 225/100, 25 से काटो 25 नम्मा 25 छोड़, कितना आ गया 9/4, 4 कहां पहुंचेगा मान से ऊपर 3, ये तो कैंसिल हो गया बटे 9 3 9 3 3 9, कितना आ गया 3/2 कांच का, 4/3 पानी का। तो ये ज्यादा कौन है, ये 1.5 है और ये 1.33, ये कम है, मतलब पानी में अपवर्तन कम होगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन और जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल है। तो पानी विरल है, वन किसका होता है वायु, किसका होता है वायु, अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक मतलब एक अंक जो निकाला जाता है वेगों के अनुपात, तो वायु में वेग बटे कांच में वेग, तो ये वेगों की तुलना होती है, वेगों क्या होती है तुलना। कितना आया था ये कांच वाला 1.5, मतलब कांच में वेग वायु की तुलना में 1.5 गुना कम हो जाएगा, 1.5 गुना सिंपल हो सकती है, कांच की वेग की तुलना वायु में क्या है 1.5 गुना, कांच में 2 है वायु में 2 गुना कितना है 3। मैं सही चीजें बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ आपको अच्छे समझा सकता हूँ, पर इससे आपको ये अंक याद नहीं होगी, और ये अंक याद नहीं है तो कहीं चल फिर अपवर्तन दे, पर आपको लिमिट की बोलूंगा, लिमिट की याद करनी है। सबको समझ में आई बात, नहीं आई पक्का, आ गई कि नहीं आ गई, तो अपवर्तनांक महत्वपूर्ण है कि नहीं, यह बताएगा कौन सघन है कौन विरल है, किसमें अपवर्तन ज्यादा होगा किसमें अपवर्तन कम होगा, ये कहलाता है अपवर्तनांक, क्या कहलाता है अपवर्तनांक। अब बच्चों शुरुआत में अपवर्तनांक की अवधारणा आएगी तो केवल वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक चलता था, किस सापेक्ष चलता था वायु के सापेक्ष करता था, लेकिन एक और लफड़ा है, लफड़ा है सापेक्ष अपवर्तनांक का, कहेगा सापेक्ष अपवर्तनांक, अगर आप तुलना वायु और कांच की ना करें, तुलना करें कांच और जल, कांच में भी बटे जल में, कांच में होता है 2 × 10⁻¹, जल में होता है 9/4 × 10⁸, 4 × 8/9, जो कि इससे क्या है कम, कि कांच में भी कम होता है, क्या होता है ज्यादा। अभी पर इसके बारे में जब बात नहीं करेंगे ज्यादा, वरना कंफ्यूज होंगे, तो ये मेनली अब कोई अपवर्तनांक बोलता है उसका सीधा मतलब होता है तुलना हो रही वायु से, अपवर्तनांक डायमंड का है, अपवर्तनांक का है वायु के सापेक्ष, मतलब वायु का। कोई से पूछोगे जल का अपवर्तनांक बोलेगा कितना 4/3,
पर ये पता मुझे नहीं, जब भी नहीं लिखा हुआ किसी सापेक्ष है, बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी और के सापेक्ष निकाल दो, किसी के सापेक्ष सत्य किसी का भी, क्यों? वेग तो हमें सब माध्यम में पता है, लेकिन हम निकालते हमेशा कायम है वायु के सापेक्ष, कि वायु की तुलना में कितने बड़ा कम हो गया। चलिए अभी याद तुम्हारे न्यू लिखना है, तो डायमंड का जो न्यू है वायु, अभी वायु में हो गया 3 × 10^3 पावर, डायमंड में कितना देखो जरा 1.24 × 10^3 हो जाएगा 300/124। तो अगर इसको हम काटें 4 से, तो 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, तो 31 × 2 = 62, 31 × 2 = 62, ये आएगा 2.42, कितना आ जाएगा 2.42। तो इंफॉर्मेशन के लिए सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? वायु एक, जो मैक्सिमम चला होता है एक ही होता है, 1.003 होता है, पर हम उसको एक ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, है ना। अपवर्तनांक अपन अन्य सूत्रों से भी निकाल सकते हैं, आपको एक सूत्र बताया था अपवर्तनांक का, जब एन दर्शाया था म्यू आर एप्सिलॉन, याद है? यस सर। ये भी दोनों सापेक्ष वाले याद है, मूल इधर हटाओ गुरु, इधर कितना होता है 2.42। तो अपवर्तनांक हमें क्या बताता है कि वेग कितने गुना कम हो जाए, अगर अभी भी अपवर्तनांक बोला मतलब वेग की तुलना किससे की जा रही है वायु। बाकी ऐसा भी होता है इसमें किसी दो माध्यमों के वेग की तुलना से तभी है, वायु वेग बटे कांच का वेग, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, या सिंपली कांच का अपवर्तनांक, कांच में भी बटे जल में भी, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, बस इसको पूरा बोलना पड़ेगा, जल बटे कांच, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, समझ में आया? रोहित बटे अवय, रोहित के सापेक्ष अवय का अपवर्तनांक, लेकिन अगर वायु के सापेक्ष हो रहा है, वायु बटे जल, तो आप वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बोले या सिंपली बोलते जल का अपवर्तनांक सही माना जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो अपवर्तनांक क्लियर हुआ, अपवर्तनांक क्लियर हुआ, अपवर्तनांक क्यों जरूरी है? अगर अपवर्तनांक पता रहेगा तो हमें ये पता रहेगा कौन सा माध्यम सघन है, कौन सा माध्यम है, तो किसमें कितना है अपवर्तन वो बताता है अपवर्तन का अंक, जैसे आपके अंक बताते हैं आपको, जैसे अपवर्तन काम क्या बताता है आपको बताता है, ठीक है। अब मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूँ, ये अतिरिक्त जानकारी इसलिए बता रहे हैं कि पेपर में ऑब्जेक्टिव आता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, निश्चित सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है वायु का लगभग 1, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है वो एक हीरे का लगभग 2.42, लेकिन यहाँ पर वही मैंने सारा लिखवा है, पर लास्ट टाइम जो मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ चलाया गया था। देखिए आपको ये छठा वाला कॉलम याद है? इसमें ये दो महीने सिलिकॉन जल के नहीं, ये कहलाते हैं अर्धचालक, चालक मैं यहाँ कह रहा हूँ, तो पहले बताया सबको सेम सेम। तो बच्चों यहाँ पे रोहित की चीज होती है अर्धचालक से बनती है एलईडी, क्या एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, सिलिकॉन जर्मेनियम लोग सोच रहे थे कि पारदर्शी, तो पारदर्शी नहीं होती, पर सिलिकॉन और जर्मेनियम अवरक्त किरणों के लिए भी पारदर्शी होती है। सही सुना आपने, प्रतिबद्ध जितनी वस्तुएं हैं वो सब अवरक्त किरणों को अवशोषित कर लेती, क्या कर लेती है? लेकिन सिलिकॉन जर्मेनियम जो कि अर्धचालक हैं, प्राकृतिक अर्धचालक हैं, वो अवरक्त किरणों को क्या करते हैं? पार जाने देते हैं, अवशोषित उनकी संरचना उनकी ऊर्जा ऐसी देरी होगी लेकिन उन्हें वापस कर दी, बाकी नहीं कर पा अवशोषित हो गए, इतना उसको सीधे देती है, तो अवरक्त किरणों को भी क्या कर देती है पार, उस कारण क्या होगा? किरणों का वेग तो वही होता 3 × 10^1, क्या हो 3 × 10^1 बराबर, किरणें जो होती हैं उनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती, थोड़ी देर पता होनी चाहिए, तो इसमें क्या होता है वेग एकदम ही बहुत कम हो जाता है, क्या हो जाता है एकदम। इसके अलावा दो और होते जो अपन ने बनाए हैं, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड, नाम बोलो क्या बोलो, गैलियम आर्सेनाइड गैलियम फास्फाइड, ये अपन ने बनाए, इनके गुण भी अर्धचालकों की तरह होते हैं, तो पढ़ना ही मांगो लास्ट में अर्धचालकों की तरह होते हैं, इस चक्कर में क्या है कि इनकी अपवर्तनांक बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन ईमानदारी की बात की जाए तो इनको अपन को खबर नहीं है, बहुत दृश्य प्रकाश की बात चल रही है, कई बात चल रही है, और ये किसके लिए पारदर्शी हो गए रोहित, अवरक्त के लिए, दृष्टि के लिए होंगे, अवरक्त के लिए है तो जिससे पारदर्शी जाएगा उससे पड़ा भी नहीं जाएगा, नामा नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो जिसके पार अवरक्त जाएगा उससे दृश्य जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में नहीं आते, पर फिर जानकारी है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, सिलिकॉन है जर्मेनियम है, सिलिकॉन का लिखा है क्या 3.42 से 3.48 और जर्मेनियम का 4.01 से 4.01, सॉरी एक नहीं इतने सारे भैया जी, बहुत सारे अपर ग्रुप बनाते हैं, कब बनाते हैं, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, कार्बन के कितने हैं
इसी दो हाजिर में क्या पाया जाता है? कार्बन। अगर आप यकीन है आपको जला भी देखिए एक बार। चलिए टेंशन मत लीजिए, सबको समझ में आई बात। अच्छा इसके अलावा गैलियम आर्सेनाइड एक्टिविटी दी है उन्हें, कितना दिया है 3.927 और फास्फाइड का 3.5, तो कुल मिला के बात सही है, हीरे का अपॉन 2.4 जो सबसे ज्यादा होता है, ये बिल्कुल सही बात है बुक्स में लिखा। लेकिन लेटेस्ट बात ये है कि अर्धचालकों के अपॉन हीरे से भी ज्यादा जो वो अवरक्त किरणों के लिए क्या है पारदर्शी, तो अवरक्त किरणों का एकदम क्या कर देते हैं कम कर देते हैं, इसका अपॉन एकदम ज्यादा हो जाता है। तो बस आपको सुनना था फिर आप भूल जाओगे, अगर आपको सर्वाधिक का अपवर्तनांक आए तो आपको ये ऑप्शन अगर आ जाए तो मतलब बहुत ही गलत बात भी बना रहा है, वरना आपको सिंपल ऑप्शन आएगा हीरा खालिस्तान है तो भी बनना हीरा, क्या बनना हीरा, बता रहे हैं ज्ञान मानी जाना नहीं बनने का पेपर है, मतलब पेपर सबसे कम अपवर्तनांक आयु का शेयर करना, सबको समझ में आया बेटा अपवर्तनांक क्या है क्यों जरूरी है सबको समझ में आया ठीक। इसके बाद